तो जीवन ज्योति के अगर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, अभी चालू है आपका नया नोटिफिकेशन। तो मैं आज आपके पास जीवन ज्योति की तरफ से लेके आया हूँ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी, जो कि आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी देखिए बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आपका डेपुटेशन बेसिस में है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में भी है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में लाऊंगा। देखिए पहले मैं लेकर आया हूँ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर लेवल 7 के पोस्ट है, एज लिमिट है 56, डेपुटेशन बेसिस में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 7 अनरिजर्व कैटेगरी, एज लिमिट आपका 45, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर आया देखिए सीनियर स्टेनोग्राफर या फिर पर्सनल असिस्टेंट नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर, डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन। हेड क्लर्क आपका एज लिमिट 30 ईयर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मेंटेनेंस सुपरवाइजर एज लिमिट 30, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। स्टोर कीपर आपका नॉट एक्सीडिंग 56, डेपुटेशन और ऑब्जर्वेशन। यूडीसी लेवल 4 नॉट एक्सीडिंग आपका 56 ईयर्स, डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन। स्टेनोग्राफर है लेवल 4 30 ईयर्स और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें देखिए आपका लास्ट ईयर ऑफ एप्लीकेशन आपका 31 अक्टूबर 2020 विद इन 5 PM, और ये आपका ऑफलाइन में होगा। आप विजिट कर सकते हो www.cnci.org.in पे, उसमें जाके आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा आपको बाई पोस्ट में। अभी मैं डिटेल्स आऊँगा आपका एक्सपीरियंस। देखिए इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, उसके लिए अकाउंट्स ऑडिट ऑफिसर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। सीनियर स्टेनोग्राफर आपका शॉर्ट एंड टाइपिंग का स्पीड चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हेड क्लर्क का उसका 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से। मेंटेनेंस सुपरवाइज़र 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद ITI सर्टिफिकेट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के ऊपर। स्टोर कीपर जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट ऑफ क्लरिकल और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ स्टोर एंड परचेस डिपार्टमेंट में आपका काम करने का एक्सपीरियंस भी चाहिए। UDC पोस्ट के लिए देखिए ग्रेजुएट 3 साल का एक्सपीरियंस LDC पोस्ट में और टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट में आना चाहिए। स्टेनोग्राफर जो कि ग्रेजुएट है शॉर्ट एंड टाइपिंग का स्पीड आपको होना चाहिए। अभी देखिए जनरल टर्म्स में लेके जाऊंगा। पीरियड आपका डेपुटेशन जो ऑब्जर्वेशन बेसिस में जो जो पोस्ट है उसके लिए खाली 3 साल का आपका डेपुटेशन बेसिस में आएगा। जो लोग मतलब किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो उसके लिए NOC लगेगा, और आपको जो फॉर्म है उसके फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको डॉक्यूमेंट्स का भेजना पड़ेगा। एड्रेस है द डायरेक्टर चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, 37 SV Mukherjee Road, कोलकाता 726, और लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020। जो डिमांड आर्ट बनाना पड़ेगा आपका डायरेक्टर कॉमर्स CNCI के नाम से, पेबल एट कोलकाता 200 रुपये का। किस देखिए OBC और जनरल कास्ट के लिए, SC ST PH कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका एग्जाम किया गया है, मतलब छूट दिया गया है। ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर ड्रॉप बॉक्स में आप डाल के एडमिन ब्लॉक में या आप अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट आपका जो सिविल का सिविल टाइप है उनके लिए जो एज लिमिट एग्जम्पशन दिया गया है, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो 5 साल का होता है 3 साल का होता है जो भी है उसके हिसाब से आप एलिजिबल होंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपका डायरेक्ट मतलब कुछ इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, रिटर्न कुछ नहीं होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसके वो वेरीफाई करके फाइनल आपका डिसीजन लेके लिया जाएगा। पहले से मतलब कोई भी मतलब इंटरव्यू क्वेरीज विल बी एंटरटेन्ड, नो इंटरव्यू क्वेरीज, ठीक है ना। अभी बाकी जो है देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट ये आपका, अगर आप डेपुटेशन बेसिस में या फिर ऑब्जर्वेशन बेसिस में अप्लाई करना चाहते हो तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ठीक है, देख लीजिए। और इसके साथ ये जो सर्टिफिकेट, मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो उसके लिए NOC,
ये आपका एम्प्लॉयर से फिलअप करके ये डिपॉजिट करना पड़ेगा, और ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में अगर आप अप्लाई करोगे, जिस जिस पोस्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए अप्लाई करोगे तो ये फॉर्म आपको आएगा। और इसमें फॉर्म को फिलअप करने के बाद देखिए नीचे दिया गया है डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको अटैच करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आपका एक्सपीरियंस, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दो, कलर और डिमांड ऑफ 200, मतलब जिन लोगों का मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, उन लोगों को 200 रुपये का डिमांड ऑफ बनाना पड़ेगा। मैं पहले आपको बोल दिया था डायरेक्टर है, डायरेक्टर CNCI के नाम से होगा। तो देखिए ये बहुत सारा वैकेंसी, और अगर आप कोलकाता में ही रहते हो तो आप, ये अच्छा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसमें आप डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ये इतना सारा पोस्ट दिया गया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पोस्ट है, इसमें ड्यूटीज हैं, ऑब्जर्वेशन सब कुछ है। और मैं पहले भी आपको बोला था कि वेबसाइट देखिए www.cnci.org.in में जाके करियर में आप ये पोस्ट देख सकते हो, और उसमें से प्रिंट आउट निकाल के डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हो, लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरा चैनल में अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।